Hi guys, this is Deep and आज मैं drive कर रहा 2022 Mercedes-Benz EQS 580 516 horsepower 107.8 kilowatt hour battery and now let's just launch it. This EV is पूरा पेट में जो है वो घोला आ जाता है and of course दूसरा term जो है मुझे use नहीं करना. So, ये है 2022 Mercedes-Benz EQS 580 एंड इंट्रो में आपने सुना होगा मैंने अगेन बोला था कि ये जो है सेकंड टाइम जो व्हीकल अपने पास आ रही है. मैंने जो है इसका फर्स्ट टाइम आई थिंक कनाडा में जो है आई थिंक सेकंड वीडियो था मेरा स्ट्रेट पाइप्स के बाद जो है मैंने इसके ऊपर बनाया था अभी विंटर में क्योंकि मुझे इंडिया जाना था तो इंडिया जाने के पहले जो मुझे वीडियो जो है डन करना था. अभी जो है व्हीकल डार्क ब्लू कलर में थी, व्हील्स थोड़े डिफरेंट है, व्हाइट इंटीरियर था, ये जो है ब्लैक व्हीकल है. एक्चुअल में जो इसका व्हील डिजाइन जो काफी अच्छा है, इसमें पूरा ब्लैक इंटीरियर आता है बट डिफरेंट कलर का जो स्वेड फिनिश वगैरह स्टिचिंग इसमें आपको मिल जाती है. सो इसका वीडियो वापस की सो लास्ट टाइम जो है वो काइंड ऑफ एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था ना, सो काफी पॉजिटिव चीज है क्योंकि टेक इतना था एंड लुक्स जो है एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी वो टाइम पे क्योंकि किसी ने जो है व्हीकल अभी पता भी नहीं था एंड देखी भी नहीं था. अभी एटलीस्ट किसी लोगों को पता है व्हीकल के बारे में बट आज भी जब ये व्हीकल जो है यूज कराओ लोग जो है मुड़ के देखते कि है क्या चीज क्योंकि काइंड ऑफ जो है कॉन्सेप्ट व्हीकल जो है वो दिख के आती है. स्पीकिंग ऑफ दिख के आती है जो मैं बोल रहा हूँ ना लुक्स, आई थिंक तभी मैंने कहा था मुझे और टाइम स्पेंड करना है व्हीकल के साथ लुक्स ग्रो होता है कि नहीं बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक जो है लुक ग्रो नहीं हुआ है. आई नो वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनामिकली एफिशिएंट जो ये व्हीकल है बट स्टिल लुक जो है मैं डिफरेंट कैमरा एंगल्स भी जो है ट्राई कर रहा था अभी तक जो इसका लुक्स इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा है बट अगेन लुक्स जो हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है. एक तो आपको ये अच्छी नहीं लगेगी या तो एकदम कूल जो है व्हीकल दिख के आ गया स्पेशली अभी ये स्पेक में जैसे ब्लैक्ड आउट है पूरा फ्रंट में क्रोम आता है इसका बम्पर में ये पूरा जो है फ्रंट लाइट एलईडी बार आता है साइड में क्रोम आता है. आई थिंक सर्टन एंगल्स है जो मुझे पर्सनली लगता है अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहे होंगे उसमें एक्चुअल में जो व्हीकल जो है काफ़ी कूल दिख के आती है. तो अभी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में मैंने इसका सारा आपको फीचर्स बताया था, टेक्नोलॉजी क्या क्या आती है व्हीकल में सारा बताया था बट ये वीडियो में जो है अभी लिविंग विद दिस व्हीकल फॉर अ वीक नाउ एंड काफ़ी टाइम भी हो गया है व्हीकल आके अभी मेरे ओपिनियन जो एक्चुअल में काफ़ी चेंज हो गया नॉट इन अ गुड वे. सो सारा वही चीज़ जो मैं शेयर करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें जो मुझे एक्चुअल में नहीं पसंद है व्हीकल के बारे में. सो हम जब भी वो व्हीकल अभी ड्राइव पे ले चलेंगे तभी डिस्कस करेंगे बट डेफिनेटली अगर मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है सो मैं सारे कूल फीचर्स अगेन आपको जो है क्विकली जो है सारे दिखाऊंगा इसके एक्सटीरियर में इंटीरियर में एंड डिजाइन के बारे में भी जो हम बात करेंगे. सो फ्रंट में जो बोनट दिख रहा है ना आपको स्लोपिंग पूरा एरोडायनामिक बोला था ना मैंने डिज़ाइन है ऐसे एरोडायनामिक तो अंडा भी होता है. सो अगेन डिजाइन के मामले में और जो हम बात नहीं करेंगे बट जो ये बॉनेट जो इसका ओपन नहीं होता सिर्फ मर्सिडीज टेक्नीशियन ही जो ये बॉनेट ओपन कर सकते हैं. मर्सिडीज बोलता है कि इसमें है ना एक्चुअल में हेपा फिल्टर करके आता है जो कि एक्चुअल में काफ़ी कूल टेक्नोलॉजी है, टेस्लास में भी आती है बट बेसिकली जो है वो एयर जो है केबिन के अंदर जो भी आते हैं ना उसको वो हेल्दी बनाता है, प्यूरीफाई करता है एंड वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में बताता भी है कि वो हेपा फिल्टर वगैरह जो कैसे काम करता है. देर आर सेंसर्स ऑल अराउंड दिस व्हीकल. आई थिंक मैं नंबर भूल गया, मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में बोला था व्हीकल के इंटीरियर में एक्सटीरियर में इतने सारे सेंसर जो आपको मिल जाते हैं तो वो व्हीकल के अंदर जो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है बता देता है. सो उसके हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू मर्सिडीज बोनेट तो इसका ओपन नहीं कर सकते पर आपने देखा है टेस्ला में वो फिल्टर भी आता है एंड आपको फ्रंट में स्टोरेज स्पेस भी जो है वो मिल जाती है. नेवर्थलेस हेडलाइट्स की बात करें तो अभी ये जो डिस्टिंक्टिव मर्सिडीज के जो EQ मॉडल है उसका फ्रंट एंड ग्रे लाइन या हेडलाइट जो बन गए. सो ये जैसे कि एस क्लास है सो आपको तीन टाइप में जो है तीन LED डॉट जो इसमें आते हैं EQE लेते तो दो आएंगे जैसे आपको स्टैंडर्ड मर्सिडीज का लाइनअप आता है वैसे. सो अभी ये जो है पूरा क्रोम स्ट्रिप जो आता है उसी के नीचे जो एक्चुअल में क्रोम स्ट्रिप के साथ जो है पूरा डे टाइम रनिंग लाइट भी आती है. एक अच्छा डिटेल लगा इसका जो पूरा ग्रिल है ना उसके अंदर सारे ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक प्लेन ग्रिल है, उसके अंदर भी जो है छोटे छोटे मर्सिडीज के जो है लोगोज दिए उन्होंने. तो जैसे EVs में जो है पुराने सिर्फ ब्लैंक जो है ब्लैक पैनल आते तो आई थिंक एक नाइस टच था. उसी मर्सिडीज लोगों के अंदर आपका कैमरा आता है, वॉशर नहीं आता. ऊपर भी जो है इसका जो लेन सेंटरिंग है एंड बाकी सारे ड्राइविंग असिस्ट रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स है कैमरा सेंसर ऊपर से यहाँ नीचे आ जाते हैं. ऑल्दो जैसे यहाँ कैमरा का भी वॉशर नहीं है तो जब भी गंदा हो जाता है तो सारे सिस्टम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं. ये जो कलर भी है ना ऑल्दो ब्लैक है काफ़ी ज़्यादा मेटेलिक फ्लेक्स है एंड अभी डायरेक्ट सन में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉप भी कर रहा है एंड सारे फ्लेक्स जो है वो दिख के आ रहे हैं. अभी साइड प्रोफाइल में हम जिसके आप मेन इसका जो है हम जो बात कर रहे थे ना शेप की जो है बात कर रहे हैं आई थिंक यही जो है डिस्टिंक्टिव है काफ़ी आपको इधर पसंद आएगा नहीं आएगा मैंने कहा था डिटेल में जाऊंगा नहीं. सो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये जो है इसका चार्जिंग पोर्ट है. यस तो यूजुअली आपने कैसे देखा होगा EVs में फ्रंट में जो चार्जिंग पोर्ट आता है बट जैसे इसका आप देख सकते हो ना बोनेट का कट है साइड का छोटा सा जो है क्वार्टर पैनल आता है
उसके वजह से आगे कुछ नहीं है, जस्ट जो है ड्राइवर साइड आपको, जैसे इसका बॉनेट नहीं खुला तो वाइपर वॉशर फ्लूड आप कैसे भरोगे। सो वहाँ फ्रंट साइड में जो क्वार्टर पैनल पे ड्राइवर के साइड जो आपको इसका वॉशर फ्लूड भरने का कंपार्टमेंट मिल जाता है। एंड चार्जिंग पोर्ट जो यहाँ पे इसका जो फास्ट चार्जर है वो नीचे आता है, पूरा जो है काइंड ऑफ एक प्लास्टिक में जो कवर्ड है, आपको चार्जिंग के टाइम जो है लाइट्स जो है वो ग्लो होता है। एंड इतनी बड़ी जो है बैटरी है व्हीकल में, टाइम भी लगता है 50 किलोवाट चार्जर से अगर आप चार्ज कर जा रहे हो एक घंटा जो है लग जाता है। डेफिनेटली 150 वाट्स 350 वाट्स है जो है 10-80% जो है हाफ एन आवर के आसपास जो है रियल वर्ल्ड में जो है मैंने अपना चार्जिंग जो है इसमें एक्सपीरियंस किया है। रेंज वगैरह सारी चीज़ें मैंने कहा था ना ड्राइविंग पार्ट में कवर करेंगे। कूल फीचर्स ये मैं जो वीडियो में पॉइंट आउट करूंगा। 10 डिग्रीज तक का जो इसमें अप टू 10 डिग्रीज का आपको रियर व्हील स्टीयर जो है वो मिल जाता है। 21 इंच के जो रिम जाते हैं सी क्लास में, अगर आपने देखोगे ना आपको जो रिंग दिख रहा है जो एक्चुअल में जो एफिशिएंसी के लिए आता है तो वो जो प्लास्टिक का होता है, बट इसमें जो एक्चुअल में वो व्हील का डिज़ाइन है काफ़ी हैवी है। ब्रेक्स की साइज आई थिंक 15-16 इंच के जो है ब्रेक्स है, ऑफकोर्स इतनी हैवी व्हीकल है उतने बड़े ब्रेक्स भी जो लगते हैं आपको। क्रोम का स्ट्रिप वगैरह जो है आई थिंक मैंने ऐसे कहा था ना ब्लैक कलर के साथ क्रोम ऑलवेज गोज रियली नाइस। एंड अब इसके रियर में एक चीज़ जो आप मुझे देख के जो नोटिस कर सकते हो, ये जो व्हीकल इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है, काफ़ी लोग बोलते हो लुक्स लाइक अ सी क्लास इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे सारे, बट एक्शन में जो काफ़ी ह्यूज है व्हीकल। 10 व्हील स्टीयर जो जब व्हीकल पार्क कर जाए तभी आप नोटिस कर जाए। इनफैक्ट अभी जैसे मैं व्हीकल के साइज में भी खड़ा जाना एंड एग्जैक्ट रियर एंगल भी आप देख कितनी बड़ी एंड बल्कियर जो है व्हीकल दिखाती है। ऑलमोस्ट मैंने एक न्यू सेगमेंट जैसे अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, एक रेज्ड अप सेडान जो टोयोटा क्राउन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वैसे उसका जो सिमिलर जो है दोनों व्हीकल का जो रियर डिज़ाइन है ऊपर से जो एकदम रेज्ड अप है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक छोटी क्रॉस ओवर की हाइट जितने व्हीकल है। जब ये व्हीकल किसी सिविक कैमरी के साइड में जब खड़ी होती है ना तभी आपको इसके साइज़ का आइडिया आ जाता है। जैसे एकदम भी यूज नहीं है बट जितनी छोटी दिखती है उतनी भी छोटी है नहीं। जैसे इसका लुक्स ओवरऑल है पूरा लाइट बार आता है मर्सिडीज़ का लोगो, ये जो है बस नॉर्थ अमेरिका में आता है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो है स्पेशली ऐसे हैचबैक्स होते हैं। GT53 में भी था ये चीज़, CLS में आता है, पीछे जो है रेगुलेशन होता है क्रैश स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। सो इसको जो इसका राउंडेड जो ऐसा डिज़ाइन आता है, एक जो है इसका LED टेलर जो ना इतना कूल दिख रहा है, ऐसे ब्लेड्स जैसे जो इसमें दिख रहे थे रात के शॉट्स, अभी इसके हेडलाइट के टेल लाइट के जो प्ले हो रहे होंगे। एंड देन ऑफकोर्स ये जो है मर्सिडीज़ का लोगो, आपको जस्ट थोड़ा ट्विस्ट करना है इसका ये हैच बैक जो है वो ओपन हो जाता है। एंड वो ओपन होने के बाद यहाँ पे इसकी पासर सेल्फ की जो है फिटिंग आप देख सकते हो, बट एक चीज़ जो है ये जो सीट जो है आप वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हो। सो ये बटन से जो है वो सीट जो आप इलेक्ट्रॉनिकली रिक्लाइन एंड वापस इंक्लाइन जो है ऊपर उसको ला सकते हो। एंड अभी इसके इंटीरियर में फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा था ना आपने शॉर्ट्स में इंट्रो में देखा होगा, इसमें ज़्यादा मैंने बात नहीं की थी, 56 इंच के जो आपको इसमें डिस्प्ले ज़्यादा है, पूरा जो है हाइपर स्क्रीन जो मर्सिडीज बोलता है, पूरा एक ग्लास का पैनल जो है बड़ा देख सकते हो। सो एक्चुअली पूरा 56 इंच नहीं है, जो तीन डिस्प्ले देखते हो, ड्राइवर का डिस्प्ले जो स्टैंडर्ड मर्सिडीज का है, देन एक्चुअल जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो, एंड देन पैसेंजर के लिए अलग से जो डिस्प्ले आता है, देन ये जो है टर्बाइन जैसे इसके AC वेंट्स दिख के आते हैं ना, ओवरऑल दिस इज रियली जो भी है व्हीकल को पहली बार देखना जस्ट गोज वाव एंड उसको यार टेक्नोलॉजी कितनी दूर आई है। जो व्हीकल दिख के आता है पूरा जैसा इसका सेंट्रल कंसोल है ब्रिज जैसा जो आपको डिजाइन आता है, जैसे एस क्लास एंड मेबैक में सेंटर पैनल जो है होता है, सो पूरा ये वन पीस वुडन पैनल जो है वो मोव होता है, जिसके अंदर आपके कप होल्डर्स वायरलेस चार्जर USB टाइप सी वगैरह सारा मिल जाता है। सो उसी के पीछे जो है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन आता है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर आ जाता है, वॉल्यूम का बटन, ये सारे बटन्स बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो भले टच दिखेगा वो टच नहीं, आपको जो एक्चुअल में सारे बटन जो है प्रेस करना है। यहाँ पे 360 जो है आपको कैमरा मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी कूल है, मर्सिडीज बेंज में हमेशा दिख के आता है। 360 व्यू भी जो आप कर सकते हो, देख सकते हो कैसे एनिमेशन जो है वो मूव होके जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको आता है वॉल्यूम के, एंड व्हीकल जो आपके ड्राइव मोड सिलेक्टर से वो यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा चीज़ है व्हीकल अभी ये ऑन नहीं है, मेरे को जो है ब्रेक प्रेस करके देखो अभी ये साउंड प्रेस हो गया, व्हीकल जो ऑन हो गई। दूसरी चीज़ जो है ना जैसे स्क्रीन सारे आ रहे हैं, देन उसके बाद अगर मैं जो है यहाँ से जाके वापस व्हीकल में प्रेस करके सेटिंग्स में जाके जो है ड्राइविंग रिलेटेड आप देख सकते हो व्हीकल, एंड देन उसके बाद जो साउंड एक्सपीरियंस है उसके सेटिंग्स पे क्लिक करता है तो दो नॉइज़ आते हैं। एंड जैसे आप व्हीकल लॉन्च करते हो ना कूल नॉइजेस जो प्ले होता है, एंड ये जो साईफाई नॉइज एकदम फ्यूचरिस्टिक नॉइज जो इसके एक्सेलरेशन में आता है, एंड जितना इसका क्विक एक्सेलरेशन है वो ड्रामेटिक इफेक्ट को जो है वो ऐड करता है, काफ़ी ज़्यादा ही वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर लगा मुझे व्हीकल में ना। व्हीकल सेटिंग कोई भी करनी है आप देख सकते 360 का बटन है उस पर क्लिक करते ये जो जेनेसिस में भी आता है, बट देखो व्हीकल जो क्लिक, एंड मैं पूरा जो है व्हीकल अभी देखो घुमा सकता हूँ कहाँ। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया तो सनरूफ वाले कंट्रोल जो है या व्हीकल रिलेटेड जो है वो होंगे, बैक गया वापस, ये देखो बैक पूरा बैक जो है वो चला जाता है।
एंड देन बाकी कूल फीचर भी आते हैं, जैसे अगर मैं जो है वापस मेरे को अगेन होम पे क्लिक करना होगा देन कंफर्ट में जाके जो है अगर सीट्स पे क्लिक, ऑफ कोर्स फ्रंट में मसाजिंग सीट पे आपको लंबर वगैरह जो है यहाँ से एडजस्ट नहीं होते, मैंने कहा था इतने मुझे अच्छे नहीं लगता है, एस क्लास में भी सेम आते हैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, और लंबर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बट दूसरा जो है ना यहाँ पे अगर मैं नीचे गया था ऑटोमेटिक सीट पोजिशन, इसमें बस जो मुझे अपनी हाइट एंड वेट जो है सारे अपना जो है बोलते हैं ना अपना क्या बोलते हैं फीचर्स डालने हैं, उसके बाद जो है सीट जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ऑल दो मैंने देखा कि बेस्ट जो है वो सिस्टम इतना कुछ काम नहीं करता है। उसके बाद जो है इसका एम्बिएंट लाइटिंग, यस वन ऑफ द क्रेजियस्ट एम्बिएंट लाइटिंग, इवन मेबैक में भी जो है यहाँ पे सीट पे जो एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो इसमें आती है रात में इतनी ब्यूटीफुल दिख के आते हैं। यही नहीं जो हेडलाइट्स मैंने बताया ना वो भी जो ऐसे लाइन्स वाला जो है शो करता है पूरा, आप जो हेडलाइट्स है मर्सिडीज इसका लोगो वगैरह जो भी है प्रोजेक्शन ला सकते हो ईसीयू वगैरह जो इसका कंप्यूटर जो ट्यून करके लिटरली जो है पूरा लाइट शो एकदम जो एक्यूरेट जो है रात में भी जो हेडलाइट जैसे आपको दिखते, जैसे कल जो है फॉगी वेदर था तो दिख रहा था ना कैसे हेडलाइट जो है सारे एडजस्ट हो रहे ऑन कमिंग ट्रैफिक ब्लाइंड स्पॉट वगैरह सारा कवर करके। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, मोस्ट ऑफ द मर्सिडीज में जो आपको मिल जाते हैं लाइट्स कंट्रोल, ये सारा जो है लेआउट वगैरह आप देखते हो डोर का कैसे लेआउट आता है, जो ब्रॉन्ज एक्सेंट्स ऑल ओवर द व्हीकल, मैंने कहा था ना कॉन्ट्रास्टिंग जो इंटीरियर की काफ़ी अच्छी है, पीछे भी जैसे वो ब्रॉन्ज जो है इसमें, ये प्रीमियम पैकेज वगैरह सो एंड लग्जरी पैकेज, प्रीमियम पैकेज में आपको 10 डिग्री का रियर व्हील जो है स्टीयर है वो मिलता है, बट ये जैसे एम्बिएंट लाइटिंग वो ब्रॉन्ज एक्सेंट सैटिन सिल्वर ये स्वेड फिनिश जो है उसको पूरा ग्रे कलर में, फ्रंट में काफ़ी अच्छा जो है वो दिख जाता है पूरा, आप देखते स्ट्रिप जो अक्रॉस जाती है वहाँ पे, इनफैक्ट दिख के नहीं आता रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा वहाँ पे जो इसके ट्वीटर्स वगैरह आते हैं, सेम मेरिडियन का सेम बर्मिस्टर का जो इसमें फैंटास्टिक साउंड सिस्टम आता है वो, सो ये जो आप इसमें मैप वगैरह ला सकते हो। एक चीज़ है ना जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी होम पे क्लिक करके यहाँ पे जो है मैंने मैप ले आया, यहाँ पे मैप ऑलरेडी चालू है, सो यस ये जो है मैंने कहा था ना 56 इंच का डिस्प्ले, सो आप देख सकते हो डिस्प्लेस काउंट करके नहीं है जस्ट ग्लास टू ग्लास जो है वन पीस 56 इंच का जो इसमें ग्लास आ रहा है, सो जो पैसेंजर की स्क्रीन है जो आई थिंक ऑन नहीं है, सो इसके ऊपर भी मैप लाने के बाद पूरा तीन ऐसे जो है बड़े मैप जो है वो दिख जाते हैं, आई नो जस्ट फन के लिए जो है मैंने वो किया था। सो यस काफ़ी ज़्यादा कूल स्टफ़ है, आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग जो है व्हीकल में, इसलिए मैंने कहा था इसका एक्चुअल जो भी मैंने वीडियो बनाया था लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी मैं सेंसर्स का नंबर जो है मुझे याद आ गया 350 सेंसर जो आते हैं आपको व्हीकल के इनसाइड आउटसाइड टोटल जो है सर जितनी टेक्नोलॉजी है व्हीकल में आती है, बट ये सारी चीज़ें तो चलो दिखा दी थी ऑलरेडी कूल स्टफ़ जो मैंने कहा था ना, बट रियल वर्ल्ड में जो एक ईवी एक लग्जरी ईवी स्पेशली इतनी एक्सपेंसिव ईवी यूज़ करना लिविंग विद दिस व्हीकल कैसा है, सो दैट मीन्स टेकिंग दिस EQS आउट फॉर अ ड्राइव, एंड जो मैंने स्टार्ट में भी कहा था ना अभी कहा मेन फैक्टर जो है वो सारे डिस्कस करते हैं। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। दिस ईवी पूरा पेट में जो है वो घोला आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स दूसरा टर्म जो है मुझे यूज नहीं करना, ऑफ कोर्स दिस इज क्विक, फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है जस्ट लाइक दैट, एंड स्पेशली इतनी हैवी व्हीकल है ना ये से एक बड़ी व्हीकल है, ऑफकोर्स SUV नहीं है, सो SUV व्हीकल्स में कैसे वो पूरा व्हीकल लिफ्ट ऑफ हो जाती है वैसे फील नहीं आता, बट यस ये जो है डेफिनेटली एक क्विक व्हीकल है। एंड ऑल्सो मैं वापस जो इसके जो तीन ड्राइविंग मोड्स आते हैं आपको इको कम्फर्ट स्पोर्ट्स एंड ऑफकोर्स इंडिविजुअल, इस पर आप जो अपनी इंडिविजुअल सेटिंग जो है वो रख सकते हो, उसमें जो वापस इसको जो इसके इको मोड पर जो मैं डाल दे रहा हूँ। अभी फर्स्ट थिंग मैंने जैसे कह रहा था यस वेरी कंफर्टेबल वेरी लग्जरियस जो है वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ईवी जो है करंटली है। अभी ड्राइविंग के मामले में मेन सबसे मेजर डिफरेंस आपको व्हीकल का जो है वेट फील होता है काफ़ी है, स्पेशली पार्किंग के टाइम जैसे सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है ऑफकोर्स जैसे व्हीकल मूव होती है, टर्निंग के टाइम में हाई स्पीड आप कॉर्नरिंग भी कभी कर रहे हो सो आपको ये व्हीकल का वेट जो है वो फील होता है। एंड यही चीज़ जो अभी सारे मेरे को मेन पॉइंट्स मिला था, फर्स्ट जैसे हम ड्राइव करें ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ जो है पहले हम कवर करते हैं, मैं बात कर रहा था ब्रेक से, जैसे आपको पता होगा ना ईवीज में कैसे रीजन ब्रेकिंग जो है वो मिलती है आपको, सो आप जो है पूरा वन पेडल ड्राइविंग तक भी जा सकते हो, इसमें भी आता है तो फर्क इतना है ना कि एक्चुअल ब्रेक पेडल जो है वो मूव होता है, एंड इतनी अनोइंग चीज है ना वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पैडल है सो मैंने जो इसका भी एकदम स्ट्रॉन्ग जो है रीजन ब्रेकिंग और रिकुपरेशन जो है मसल्स को बोला वो किया, अब मैं जैसे लिफ्ट ऑफ करता ना एक्चुअल ब्रेक पैडल जो प्रेस हो गया, एंड देन ऑफकोर्स व्हीकल जो अच्छी खासी स्टॉप हो रही है, बट स्टिल मैं अगर ब्रेक दबाने जाता हूँ ना सो ऑलरेडी ब्रेक दबा हुआ है, एंड उसके आगे मैं जो प्रेशर अप्लाई करता हूँ ना ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है आप बोले ना वो वुडन ब्रेक फील जो होता है वो आपको मिल जाता है, वो काफ़ी हार्ड उसके बाद जो है ब्रेक पेडल जो है प्रेस करना होता है अगर आपको स्टॉप करना है तो, एंड अगर मैं नॉर्मल सेटिंग में भी रखता हूँ ना तभी भी जो ब्रेक पेडल है वो हल्का सा जो है वो प्रेस ही होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड जो है ब्रेकिंग फील जो आपको इसमें मिल जाती है।
एंड देन प्राइस पे. सो ये जो है करंटली जो स्टैंडर्ड एस क्लास आ जाए ना 2022 या जो है अपनी S580, उससे जो है ये आई थिंक $1500 कनेडियन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो बेसिकली जो है स्टैंडर्ड एस क्लास से ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड देन रेंज जो इसमें अभी जैसे मैंने आई थिंक अभी तक कहा नहीं है, 550 किलोमीटर्स की रेंज जो है, लेस देन 600 किलोमीटर्स की रेंज जो है आपको इसमें मिल जाती है. इट्स नॉट दैट गेट, क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल बाकी जो है प्रीमियम या लग्जरी ईवीज जो आते हैं, स्पेशली मेन जो मेरे दिमाग में आ रही है जिसमें रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी थी, वो है जेनेसिस की G80 इलेक्ट्रिक वर्जन जो है ना उसका. उसमें ऑलमोस्ट 600 आई थिंक एक टाइम तक 600 के ऊपर भी जो है मुझे रेंज बताई थी उसके डैश पे. एंड वो जो है लेस देन $100,000 कनेडियन जो है व्हीकल प्राइस करते हैं. इतनी बड़ी बैटरी आती है, इतनी बड़ी व्हीकल जो आपको ये ड्रैग को एफिशिएंट है सारा, वन ऑफ द ग्रेट नाइसेस्ट जो है इसमें 0.2 का जो आपको ड्रैग को एफिशिएंट इसमें मिलता है. इंस्पाइट ये सारी चीज़ें होना ना, व्हीकल की रेंज जो है इतनी भी कुछ खास नहीं है. इसका जो है 53 रेंज जो है अपना AMG 53 वर्जन भी आता है उसमें तो डेफिनेटली और कम रेंज आपको मिलेगी. आई नो इसमें डिफरेंट मार्केट्स में आई थिंक डिफरेंट रेंज जो है वो क्लेम्ड है यहाँ का, जैसे कोल्ड वेदर वगैरह सारा कंसिडर करके जो किया जाता है, बट वो ये रियल वर्ल्ड जो है मैं रेंज बता रहा हूँ जो मुझे जो इसके फुल चार्ज में बता रहा है. अभी करंटली जो इसकी बैटरी जितनी बता रहा है आई थिंक 1/4 के जस्ट ऊपर है. सो मेरे को 230 किलोमीटर्स की जो इसमें रेंज बता रहा है. एंड अभी जैसे कि मैंने एस क्लास की बात की, इसके रियर सीट कम्फर्ट एंड वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई. सो अभी मेन डिफरेंस है ना इसकी जो रियर सीट है, येस वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ईवीज की जो है मैं बैक सीट कहना चाहूँगा, बट स्टिल जैसे एस क्लास इक्विवेलेंट है ना, एस क्लास के जितनी कम्फर्टेबल नहीं है, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था वो चीज़, वो पॉइंट नहीं है मेरा, बट ओवरऑल जो है ना सिटिंग पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड आती है. मैंने जब इनिशियली EQS का वीडियो बनाया था तभी भी आपको कहा था कि थोड़ा जो है ऑकवर्ड सिटिंग पोजीशन है. ये सब आपको जो पीछे बटन आते हैं सीट रिक्लाइन वगैरह करने का और आपको कंफर्टेबल करने के लिए जो आपको पीछे भी जो है हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, मसाजिंग सीट्स आते हैं. एंड एस्कला जैसे पीछे टैबलेट भी जो आ जाता है. सो यस काफ़ी लग्जरियस प्लेस टू बी इन, बट ओवरऑल सिटिंग पोजीशन जो है और जो है इंप्रूव हो सकती थी. दूसरा रीज़न है उसके पीछे कि ये जो मैंने मर्सिडीज़ को पूछा कि थोड़ा डिफरेंट जो है इसमें सीटिंग पोजीशनिंग है, तो वो जो है मैं रिजिडिटी सेफ्टी पर्पस के लिए, इसे ब्रेसिंग वगैरह होता है ना इन केस ऑफ क्रैश वगैरह हो जाता है. सो ब्रेसिंग वगैरह होता है स्टैंडर्ड जो अपने प्लेटफॉर्म पे व्हीकल होते हैं उनमें डिफरेंट आता है. ईवीज में जो उन्होंने जैसे व्हीकल का बाहर से शेप वगैरह सारा, इसमें ब्रेसिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से दे पाए थे. सो उसके वजह से जो है सीटिंग कम्फर्ट जो है, सीटिंग पोजिशनिंग जो है उसके पीछे काफ़ी वियर्ड है. सो काफ़ी सारी चीज़ें है इसका लुक्स जो है, सीटिंग कम्फर्ट, रीजन ब्रेकिंग, ओवरऑल जो है, सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जो व्हीकल में मेरे को पसंद नहीं है. एंड ये पॉइंट एक मुझे लाता है, क्या एक्चुअल में जो ऐसे पूरा जैसे एस क्लास अलग आती है, EQS अलग प्लेटफॉर्म है, जबकि कॉम्पिटिशन व्हीकल जैसे BMW i7 जो हो गए जो कि स्टैंडर्ड आपको प्लेटफॉर्म पर ही बेस जो आती है. सो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स के वो कौन सा रूट चूज़ करते हैं. जैसे उसमें मे बी आपको लग्जरी वगैरह जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे एंड फीचर्स कम्फर्ट वगैरह, बट ईवी रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो थोड़े जो उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. सो मर्सिडीज ने जो है एक बोलता ना ईवी पे ज़्यादा फोकस करना है, ईवी को जो है बेस्ट करना जो है उस पर वो अप्रोच जो लिया था, उसके ऐसे ये सारे जो है थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज जो आपको इसमें मिल जाते हैं. एंड नाउ कमिंग टू द स्टॉप जो है, अभी जस्ट रुक के जो व्हीकल के रील्स वगैरह जो लेना है. सो ऐसे ही जो है मैं सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, आई एम लिविंग विद दिस व्हीकल, उसके बाद जो है मैं सारा ओपिनियन मैंने जैसे कहा था ना चेंज हो गया मेरा सारा दिया है. सो ये सारे रील जो है मैं इंस्टाग्राम पर डालते रहता हूँ, अपडेट भी जो है व्हीकल जितने भी होते हैं मेरे पास हफ्ते के 2-3-1 सारा मैं देते रहता हूँ. एंड जैसे मैं कहता रहा हूँ आपके सपोर्ट के बाद ही जो ये सारे वीडियोज जो मैं आपके लिए ला पा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव व्हीकल जो मैं आपके लिए ला पा रहा हूँ, और भी ज़्यादा कूल व्हीकल जो आपके लिए आने वाले. सो ऐसे कीप सपोर्टिंग the channel. And now with that, thanks for watching, and now see you in next one.